राजस्थान के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही कांग्रेस खेमे में हलचल तेज होती जा रही है। इस वक्त कांग्रेस खेमे में मंथन जारी है टिकट बंटवारे को लेकर। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार टिकट बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि दावे तो ये तक किए गए हैं कि युवाओं को आगे किया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द से जल्द एक अहम फैसला सुना सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब यहां पर मंथन जिस तरह से जारी है, 1-to-1 यहां पर चर्चा की जा रही है टिकट बंटवारे को लेकर। प्रत्याशियों के यहां पर कामकाज को बखूबी देखा जा रहा है और ये रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को जल्द से जल्द सौंपी भी जाएगी। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व राजस्थान में टिकट चयन प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण को सिर्फ प्रदेश चुनाव समिति स्क्रीनिंग कमेटी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता है। पैनल बनने से लेकर नाम फाइनल होने तक दिल्ली का पूरा दखल रहेगा, यानी कि AICC का पूरा फोकस तो रहेगा ही और पार्टी हाईकमान का भी। तो ऐसे में देखा जाए, यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि प्रदेश चुनाव समिति स्क्रीनिंग कमेटी प्रदेश भर से चुनाव लड़ने से इच्छुक नेताओं के बायोडाटा पर मंथन से लेकर 1-to-1 के प्रोसेस में जुटी हुई है। AICC की तरफ से तैनात किए गए सीनियर ऑब्जर्वर मिस्त्री अपने 25 ऑब्जर्वर्स और अन्य सीनियर नेताओं की अगुवाई में हर सीट पर जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं। हाल ही में पाली, जालौर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, उदयपुर के साथ कई क्षेत्रों का इन्होंने दौरा किया। वहीं यहां पर सामने आया है कि अब वह राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे। इस टीम की रिपोर्ट को स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के साथ मिलान किया जाएगा और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में राजस्थान के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। ऐसा पहली बार है कि टिकट चयन की प्रक्रिया को कांग्रेस ने इस तरह से चाक चौबंद कर दिया है। और ऐसे में देखा जाए, यहां पर सीधी नजरें अब टिकी हुई हैं प्रत्याशियों पर। राहुल गांधी जो बयान देते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में बराबर का मुकाबला है। तो राहुल गांधी के इस बयान का मतलब यह भी निकला है कि अगर टिकटों का चयन सही हुआ तो कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा, तो राजस्थान में बराबर के मुकाबले में जीत में बदला जा सकता है। अब देखा जाए, यहाँ पर दावे कुछ इस तरीके से किए जा रहे हैं कि 1 अक्टूबर को एक मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में अब सभी ऑब्जर्वर्स मिस्त्री को रिपोर्ट सौंपेंगे और रिपोर्ट में बताया जाएगा कि किस सीट से किस किस का नाम निकल कर सामने आ रहा है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, और इसके हिसाब से ही फैसला लिया जाएगा। वहीं दूसरी ही तरफ 2 अक्टूबर के बाद इस पर फैसला सुनाया जा सकता है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी अपना पैनल स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपेगी। पैनल में 1 से लेकर 3 नाम होंगे और ऐसे में देखा जाए तो पार्टी हाईकमान की तरफ से अब इस पर अहम फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि देखा जाए आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अब देखना यहां पर यह दिलचस्प होगा कि 2 अक्टूबर के बाद आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी क्या कुछ अहम फैसला सुनाते हैं। और यहां पर देखने वाली बात यह होगी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विधायकों में से किसका दबदबा ज्यादा देखने को मिलता है। दावे तो ये किए जा रहे हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम पद के लिए आखिरकार कौन आगे होगा, ये भी अहम सवाल उठ रहा है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।